हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के बारे में, जैसे कैसे इंडिया ग्रिड इनबिट के बारे में, कैसे डिविडेंट आया, कैसे क्या चीज़ें हैं। चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे। ऑफिशियल ईमेल आ चुका है मुझे कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पे आपके साथ मैं ऑफिशियली ईमेल शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो इंडिया ग्रिड इनबिट दिया हुआ है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रजिस्टर्ड विद सर्विस एंड सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, वाइट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है। प्रिंसिपल फेस ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट हाउस जो है वो आप देख सकते हो, वेस्टर जो भी दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ इंडिया ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन अपडेट Q1 FY 25, यानी कि पहला डिविडेंड है। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा फोटो वोटो दिया हुआ है। यहाँ पे ट्रांसमिशन के काम करते हैं कंपनी, सोलर का भी काम करता है। डेट आप देख सकते हो 7 अगस्त को आया है। अभी देख सकते हो, डियर इन्वेस्टर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट इंडिया ग्रिड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, द इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑफ इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, हैज अनाउंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ INR 3.75, जो कि काफ़ी अच्छा है, पर यूनिट ऑन July 24, 2024। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25, द डिस्ट्रीब्यूशन गेट यूनिट कॉम्प्रोमाइज ऑफ INR 3.1954 पर यूनिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, INR 0.0282 पर यूनिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वेयर अबाउट INR 0.0574 इज टैक्सेबल, एंड बाकी का जो पोर्शन है INR 0.1508 इज नॉन टैक्सेबल, एंड INR 0.3464 पर यूनिट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रीपेमेंट। उसके बाद देखिए, इंडिया ग्रिड हैज कंप्लीटेड द प्रोसेस पेमेंट प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन दियर होल्डिंग्स एज ऑन द रिकॉर्ड डेट 30 जुलाई 2024 था। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट ऑन August 8, 2024। द डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉर्मूला फॉर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो इज अकॉर्डिंग विद द मास्टर सर्कुलेशन वर्कर नंबर दिए हुए, डेटेड May 15, 2024, इशूड बाई द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। फर्दर, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एज एप्लीकेबल हैज बीन अप्लाइड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पेड टू द यूनिट होल्डर्स एज ऑन द रिकॉर्ड डेट। अब चलते हैं यहाँ पे मेन टेबल, द टेबल ऑफ TDS रेट्स एप्लीकेबल टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ यूनिट होल्डर्स कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट, यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया ग्रिड अंडर FAQ सेक्शन दिया हुआ है। अब चलते हैं मेन बात पे, डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल्स फॉर Q1 FY 25। सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी है दिया हुआ है। ट्रांजेक्शन टाइप आप देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंडिया ग्रिड, उसके बाद बेनिफिशियरी नेम मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद बाकी चीज़ें हाइड कर दूंगा मैं, DP ID, बेनिफिशियरी ID, स्टेटस वगैरह, पैन नंबर वगैरह ये हाइड कर दूंगा। रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हो 30 जुलाई 2024 है। यूनिट्स हेल्ड एज ऑन द रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हो 163 यूनिट्स है मेरे पास, तो उस हिसाब से डेट ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ पे 8 अगस्त 2024 है। एंड मोड ऑफ पेमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है NEFT, तो NEFT के जरिए पेमेंट आया है। और पेमेंट कितना आया था ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था ऑलरेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 557.25 रुपीज़ का पेमेंट आया था 7 अगस्त 2024 को इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की तरफ से। तो ये रहा पूरा पोर्टफोलियो का अपडेट, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप को वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए, देखिए वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, या आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।